महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के ऐलान से पहले एकनाथ शिंदे सरकार ने सोमवार को कई बड़े फैसले लिए। अपने फैसलों में सरकार ने ब्राह्मण और राजपूतों को भी साधने का पूरा प्रयास किया है। सरकार ने ओबीसी, ब्राह्मण और राजपूतों के लिए महामंडल बनाने का ऐलान किया है। इसके लिए कैबिनेट में प्रस्ताव भी गया। इसके अलावा सरपंच, उप सरपंच को भी बड़ा तोहफा दिया है। किसानों को लेकर भी बड़ा ऐलान किया है। कैबिनेट ने कई ऐसे फैसले किए हैं जो चुनाव के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण हैं। इस बैठक में ग्रामीण विकास विभाग के तहत 6 मांगों को मंजूरी दी गई है। मुख्य रूप से राज्य में सरपंच और उप सरपंच का वेतन दोगुना करने का निर्णय लिया गया है। सरकार ने कहा है कि जिन ग्राम पंचायतों की संख्या 2000 तक होगी, उस ग्राम पंचायत के सरपंच का वेतन 3000 रुपये से बढ़ाकर 6000 रुपये कर दिया जाएगा, तो डिप्टी की सैलरी 1000 से बढ़ाकर 200 रुपये कर दी जाएगी। जिस ग्राम पंचायत की जनसंख्या 2000 से 800 तक है, उस ग्राम पंचायत के सरपंच की सैलरी 4000 से बढ़ाकर 8000 रुपये कर दी जाएगी। उप सरपंच की सैलरी में 1500 रुपये से बढ़ाकर 3000 रुपये कर दिया गया है। जिन ग्राम पंचायतों की आबादी 8000 से ज़्यादा है, वहाँ सरपंच की सैलरी 5000 रुपये से बढ़ाकर 10000 रुपये कर दी गई है, जबकि उप सरपंच की सैलरी 2000 रुपये से बढ़ाकर 4000 रुपये करने का फैसला लिया गया है। इस वेतन वृद्धि से राज्य सरकार का सालाना 116 करोड़ रुपए का वित्तीय बोझ पड़ेगा। इसके साथ ही राज्य कैबिनेट ने ग्राम सेवक और ग्राम विकास अधिकारी के पद को भी एक पद करने की भी मंजूरी दे दी है। पिछले कुछ दिनों से लगातार मांग उठ रही थी कि ग्राम सेवक और ग्राम विकास अधिकारी का पद एक ही होना चाहिए। आखिरकार आज कैबिनेट ने राज्य में कार्यरत ग्राम सेवक और ग्राम विकास अधिकारी को एक ही पद पर नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। क्रिकेटर अजिंक्य रहाणे क्रिकेटक अकादमी बनाने के लिए वीकेसी इलाके में सरकार जगह देगी। टैक्सपेयर के हित को ध्यान में रखते हुए जीएसटी में सुधार का प्रस्ताव। शिरूर से संभाजी नगर के बीच में 1500 करोड़ का हाईवे बनाया जाएगा। राज्य ने विशेष उपलब्धि हासिल करने वाले खिलाड़ियों की नियुक्ति में सरकार सुधार करेगी। सरकार ने राज्य दूध अनुदान योजना शुरू करने का फैसला किया है। गाय के दूध पर प्रति लीटर 700 रुपये का सरकार अनुदान देगी। स्टेट ट्रांसपोर्ट महामंडल की बस को BOT आधार पर विकसित करने का फैसला किया गया है। वीकेसी में हाईकोर्ट की नई इमारत बनेगी, तो जुन्नर में एक अतिरिक्त सत्र न्यायालय बनाने का फैसला लिया गया है। साथ ही ग्राम विकास विभाग ने राज्य में ग्राम पंचायतों को 15 लाख तक के विकास कार्य ग्राम पंचायत एजेंसी के रूप में कराने का फैसला लिया है। इस निर्णय से 75,000 तक की वार्षिक आय वाली ग्राम पंचायतें ग्राम पंचायत एजेंसी के रूप में 10 लाख तक के काम करा सकेंगे। जिन ग्राम पंचायतों की वार्षिक आय 75,000 से ज़्यादा है, वो ग्राम पंचायतें ग्राम पंचायत एजेंसी के रूप में 15 लाख रुपए तक की कार्य करा सकती हैं। इस फैसले को लागू करते समय 10 लाख रुपए से ऊपर के काम के लिए ई ट्रेंडिंग सिस्टम अपनाना ज़रूरी होगा।